तो अभी हम लोग जाने वाले हैं ककड़ियाँ खाने। आज फिर आज है मतलब परिवा, और ये हमारे देवेंद्र मामा देखो लिए हुए हैं कंडा, और ये छोटू एक और थैला लिए है, देखो ये रखा है थैला। और अभी जो हमारा एक और दोस्त है, भाई है रसिक, वो गया है अभी भटा लेने, कुछ टमाटर आलू और भटा लेने, क्योंकि हम जो लाए थे मतलब टमाटर और आलू वो लोगों के हिसाब से कम हो गए हैं, तो अब इसलिए उसको भेजा है आलू टमाटर कुछ और लाने। तो फिर अब हम वहीं मिलते हैं आपसे जहां हम लोगों को ककड़ियाँ बनानी है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं खेत में बनाने, मतलब जहां हमारे देवेंद्र मामा का कुआं है, बोर है, वहीं उनकी खेती लगी हुई है, तो हम लोग आपको वहीं मिलते हैं। और आप बने रहे हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू। और हमारे देवेंद्र मामा और रसिक फिलहाल पे अभी जो हाथ में लिए हुए हैं थैला लिए, और फिलहाल पे हम लोग पहुंच गए हैं जहां हम लोग ककड़ियां बनानी है। तो हमारे देवेंद्र मामा देखो आग ही लगा रहे हैं, चड्डी पहने हुए घूम रहे हैं। मामा गजब बेइज्जती है। और औजार उठाते हैं हम लोग और देखिए ये यहाँ आग ही लगा रहे हैं, फिर उसके बाद आटा मारेंगे, मतलब आटा को गूंथेंगे बर्तन में, फिर उसके बाद ककड़ियां बनाएंगे। हम आपको दिखाएंगे कैसे बनाते हैं। और कंडा दो, और कंडा दो। और अभी अतुल, रसिक और छोटू ये लोग जो ककड़ियां हैं वो लोग आटा लगा के और हाथों से गोल कर रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और चारों तरफ कितनी हरियाली है, और देखिए चारों तरफ कितनी हरियाली है, धान लगी हुई है ये देखिए। और हम लोग यहाँ ही ककड़ियां बना रहे हैं कि आगे लगी हुई है। ले जाएगा है का हो? जैसे कि देख रहे हैं आप, हम कड़िया बना रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, बोलत बना चुकी है ये देखिए। हम लोगों ने इसमें थैले में भर के रखी थी, क्योंकि जो ककड़ियाँ बनाएंगे वो ठंडी ना हो खुले रखने में। और ये आगे आगे भी बुझ चुकी है। और रसिक जो है ये हमारे भाई साहब हैं जो सूरत से आए हैं, ये अब ककड़ियाँ मतलब भरता अरता बनाएंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो आप देखिए कैसे मिक्स करते हैं, हम आपको दिखाते हैं इस ब्लॉग में। और आप भी ऐसे ही ककड़ियाँ खा के इंजॉय करें, कभी गाँव में जाएँ और लाइफ का इंजॉय करें। और अभी हमारे रसिक भाई साहब आलू छील रहे हैं, जो मतलब उसमें छिलका लगा हुआ कचड़ा जैसे, वो छील के फिर बनाएंगे हम लोग भरता, बढ़िया मिक्स करेंगे सभी को, आलू टमाटर को। फिलहाल पे भटा तो नहीं मिला, क्योंकि अब आज अरे मतलब बैगन बोलते हैं हम लोग, भटा बोलते हैं, ब्रिंजल ब्रिंजल यानी बैगन। कुछ कर रहो यार, फिलहाल पे हम लोग ककड़ियाँ खा चुके हैं, फुर्सत हो चुके हैं, नहा धो भी लिया था, नहाने धोने के बाद ही हम लोगों ने ककड़ियाँ खाई हैं। अब ये देख पा रहे पूरी मतलब जो थाली है प्लास्टिक की, पत्तल है, डिस्पोजल है, अरे रे पीछे खा चुके हैं, और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी किया हम लोगों ने। अब हम लोग निकलते हैं घर। तो दोस्तों अगर आज का आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और आपने पहले भी मेरी वीडियो में काफ़ी अच्छा प्यार और सपोर्ट दिखाया, वीडियो अच्छी व्यूज गई मेरी आप लोगों की वजह से, तो आप ऐसा ही सपोर्ट मुझ पर करते रहें, और आप ऐसा ही मुझे मतलब मेरा सपोर्ट करें तो मुझे भी अच्छा लगता है वीडियो बनाना। तो ओके बाय बाय, फिर किसी दिन मिलते हैं मस्त से ब्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।